गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नर्वस सिस्टम में बेटा आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स सेक्शन। हम स्टडी कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर मैंने क्या बताया था, एनिमल्स के केस में देयर इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिस्टम व्हिच इज नोन एज नर्वस सिस्टम इज फाउंड, एंड दिस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, CNS एंड PNS, जो हम पहले की वीडियोज में कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। अब उसमें हमने एक स्पाइनल कोड के बारे में जिक्र किया था। तो स्पाइनल कोड मेन किसका सेंटर होता है, स्पाइनल कोड होता है रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर। अब यहाँ पे मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात बताती हूँ। देखो कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ही सडन एक्शन होते हैं, बहुत ही क्विक एक्शन होंगे जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में भी नहीं होते, वो अचानक अपने आप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हमारी आईज का ब्लिंक करना, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल पावर, वो अपने आप होता रहता है, ठीक है ना। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हमारी बॉडी क्या करने लग जाए, टच कर जाए तो तुरंत वहाँ से हमारी बॉडी हट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम आयरन कर रहे हैं और बहुत गर्म आयरन है, उसको अगर हमारा हाथ टच कर जाएगा तो क्या होगा, एकदम से सडनली वहाँ से हमारा हाथ हट जाता है। तो ये भी एक टाइप का कैसा एक्शन हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपने हाथ को वहाँ पे लगा रहने देंगे, थोड़ी देर सोचेंगे फिर सोचेंगे हटाएं कि ना हटाएं और फिर जाके हटते हैं, ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही क्विक एक्शन होगा जो नैनो सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे क्विक, ऐसे सडन, ऐसे मैकेनिकल, ऐसे ऑटोमेटिक एक्शन को जो जनरली एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होते हैं, उनको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज द सडन ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल एक्शन दैट टेक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होगा, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो क्या देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर होंगे, जैसे मैंने आपको ब्लिंकिंग ऑफ आईज बताया, सकलिंग ऑफ मिल्क बाय द न्यू बॉर्न, दैट सकलिंग ऑफ मेमरी ग्लैंड्स बाय द न्यू बॉर्न, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये एक्शन कैसे हैं, ये बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आप किसी भी डिलीशियस फूड को देखते हैं तो हमारे माउथ से सलाइवेशन होनी शुरू होती है, सलाइवा की सिक्रीशन होती है। जो रिफ्लेक्स एक्शन बाय बर्थ प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में, उनको हम क्या नाम देंगे, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और दूसरे एक्शन जो डेली की प्रैक्टिस से, जो हमारे लाइफ टाइम में बार बार कोई काम करा के उसके लिए यूज टू किया जाए, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं, स्पीचिंग, राइटिंग, ड्राइविंग, ये सारे एक्शन कैसे होते हैं, ये होते हैं बाय बर्थ से ना होके लाइफ टाइम में एक्वायर किए जाएंगे, तो इनको हम क्या नाम देंगे, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। क्या नाम देंगे मेरी, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, अनकंडीशनल। दूसरे वाले को भी मैंने अनकंडीशनल नाम दे दिया था, वो कंडीशनल होगा। फर्स्ट वन इज अनकंडीशनल एंड सेकंड वन इज कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। बेटा इसमें से जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है, इट इज हेरिडिटरी इन नेचर। कैसा होगा, हेरिडिटरी इन नेचर। अब कोई चीज हेरिडिटरी है नेचर में, दैट मीन्स कि वो बाय बर्थ प्रेजेंट है, वो हमें अक्वायर हुई है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, और ये कैसी होती है, दिस इज नॉन हेरिडिटरी इन नेचर, दैट इज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम के दौरान अक्वायर्ड की जाएगी, दैट इज अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो किस वजह से होता है भाई, तो हमने क्या बताया कि भाई अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है, बिकॉज दे आर ड्यू टू चेंज इन द जर्मिनल सेल्स, दे आर ड्यू टू चेंज इन जर्मिनल सेल्स। जो हमारी जर्म सेल्स होती है ना,
उनके अंदर कुछ भी चेंज होते हैं वो सब चीजें नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर जाएंगी। आपको ये बात तो पता है कि हेरिडिटी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं वो जर्म सेल्स के थ्रू आते हैं और वही जर्म सेल्स गैमेट्स बनाती हैं, आइदर स्पर्म होता है ओवम जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगी। लेकिन जो कंडीशनल रिफ्लेक्स सेक्शन है वो कौन से सेल्स के अंदर चेंज होने के कारण होते हैं? ड्यू टू चेंज इन द सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं बेटा? जो हमारे गैमेट्स को छोड़ के पूरी बॉडी को बनाने वाली सेल्स होंगी वो कौन सी सेल्स होती हैं? दे आर सोमेटिक सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगी ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये आईज का ब्लिंक करना, दिस इज नॉट कंडीशन। हमने कोई कंडीशन नहीं दी थी कि हमें प्रैक्टिस कराई तब जाके हमारी आईज ने ब्लिंक करना शुरू किया है ना, तो ये अपने आप होती है। तो ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज एन एग्जांपल ऑफ द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। सलाइवेशन ड्यू टू द फूड, डिलीशियस फूड को देख के माउथ में सलाइवेशन होना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर हम क्या कहते हैं, सकलिंग ऑफ द मिल्क ड्यू ऑफ न्यू बॉर्न, सकलिंग ऑफ मिल्क बाई न्यू बॉर्न इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द अनकंडीशनल। लेकिन अगर कंडीशनल में मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो कंडीशनल के अंदर आप जो भी लाइफ टाइम में एक्वायर किए जाते हैं लाइक ड्राइविंग, राइटिंग, स्विमिंग, ये सारे कैसे कंडीशन है, सारे कैसे रिफ्लेक्स सेक्शन है, ये हमारे कंडीशनल रिफ्लेक्स सेक्शन है। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी कि इस कंडीशनल रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में किसने बताया था, इसके बारे में कैसे पता चला कि कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है हमारी बॉडी में जो बार बार प्रैक्टिस करवा के की जा सके। तो उसके लिए साइंटिस्ट थे बेटा, कौन से साइंटिस्ट? एवोन पावलोव नाम के साइंटिस्ट। एवोन पावलोव साइंटिस्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था डॉग के ऊपर। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर दिया था? डॉग पे। तो कई बार उसके एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके NTSC में भी और नीट लेवल के अंदर भी, इससे रिलेटेड डिस्कशन आते हैं। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा कि इवन पावलोव का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे आप? एक्सपेरिमेंट फॉर कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, इसका एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? इवान पावलोव ने दिया था और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने इसको यूज किया था डॉग को। अब ध्यान से सुनेंगे उसने क्या किया था, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। देखो, इसमें उसने एक डॉग लिया, उसने सपोज उन्हें एक टाइम फिक्स किया कि 7 o'clock पे उसको खाना देना है। तो उसने खाना देने से जस्ट पहले एक बेल बजाई, बेल बजाने के बाद उसने डॉग के सामने खाना रखा। तो खाना रख देखने के बाद डॉग के मुंह से सलाइवेशन हुई, ठीक है, नेचुरल बात है। सेकेंड डे अगेन उसने वही 7 o'clock पे खाना देना था, खाना देने से जस्ट पहले उसने बेल बजाई, देन उसने फूड प्लेस किया, अगेन उसने क्या ऑब्जर्व किया? सलाइवेशन फ्रॉम द माउथ ऑफ द डॉग। सेम चीज़ उसने 6-7 दिन तक रिपीट की। आफ्टर 6 to 7 days उसने क्या देखा? उसने जस्ट बेल को रिंग किया और उसने कोई फूड नहीं देखा, स्टिल डॉग के मुंह से क्या हो गया? सलाइवेशन हो गया। तो उसने क्या देखा कि डॉग का जो माइंड था वो उस चीज़ के लिए यूज टू हो गया था कि जैसे ही बेल रैंग होगी उसके बाद में फूड आएगा और उस टाइम पे ही उसके माउथ से सलाइवेशन सिक्रीशन होनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे वो किस चीज़ के लिए यूज टू बनाया गया? बेल की रिंगिंग के लिए, बेल बजते ही उसके माउथ से सलाइवेशन होना, ये नेचुरल बात नहीं थी, ये उसको कंडीशन दी गई है ऐसी चीज़ें, ये बार बार कोई चीज़ करा के उस चीज़ के लिए उसको एडिक्ट किया गया, तब जाके उसकी बॉडी के अंदर ऐसा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो बेल का बजना था दैट वाज एन कंडीशनल स्टिमुलाई और बेल के रिस्पॉन्स में सलाइवेशन होना ये कैसा था बेटा? ये कंडीशनल रिस्पॉन्स था। तो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जो हमने आर्टिफिशियली कोई स्टिमुलस देने के बाद शुरू करवाया दैट इज नोन एज कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। उसको हम क्या नाम देंगे? कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई इवन पावलोव के एक्सपेरिमेंट को? उसने डे फर्स्ट क्या किया? एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या किया? रिंग द बेल एंड देन प्लेस द फूड इन फ्रंट ऑफ डॉग। उसने डॉग के पास में उसने फूड को रखा तो उसने क्या देखा? सलाइवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द
starts from the mouth of dog. Dog के mouth से salivation होनी start हो गई. तो यहाँ पे जो salivation dog के mouth से होनी start हुई और उसने इसी experiment को repeat किया for 7 days. 7 days तक उसने सेम यही बातें की कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम पे जिसके हमारा सपोज करो कि 7 o'clock पे काम कर रहा है रैंक की बेल देन उसने फूड को रखा देन उसने सलाइवेशन को ऑब्जर्व किया. तो यहाँ पे जो सलाइवेशन हो रही है दैट इज ए रिस्पॉन्स. वो क्या है? वो एक रिस्पॉन्स है और बॉडी से या फिर किसके रिस्पॉन्स में सलाइवेशन रिस्पॉन्स दे रहा है ये क्या है? दिस इज ए स्टिमुलाई. ये क्या है बेटा? दिस इज ए स्टिमुलाई. तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिले. तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं बेटा? एक तो हमारे सेंस ऑर्गन, एक हमारे इन्वॉल्व होंगे सेंस ऑर्गन, दूसरा इन्वॉल्व होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और तीसरा इन्वॉल्व होगा हमारा इफेक्टर ऑर्गन. क्या इन्वॉल्व होगा भाई? इफेक्टर ऑर्गन. अब देखो बाहर का एक्सटर्नल का जो भी स्टिमुलाई है वो सेंस ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर. क्या प्रेजेंट होते स्टूडेंट्स? रिसेप्टर. वो रिसेप्टर उस स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे. सपोज करो कि मैंने आपको ये बताया था हमारा हाथ एक गर्म आयरन को एक हॉट आयरन को टच करे तो हमारे स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर होते हैं और वो थर्मो रिसेप्टर क्या करेंगे बेटा? वो थर्मो रिसेप्टर उस हाई टेम्परेचर को सेंस करेंगे. फिर उन्होंने न्यूरॉन्स के थ्रू उसी सिग्नल को किसके पास सेंड किया? हमारे ब्रेन के पास सेंड किया, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सेंड किया. और आपको पता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट एक्ट एज द मेन सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. वो इंटरप्रेट करती है कि क्या हुआ, ठीक है, कैसा स्टिमुलाई हमें मिला, उसके रिस्पॉन्स में हमें कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए. तो अब आपको सिग्नल भेजती है हमारे हाथ की मसल्स के पास में कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर दो, वहाँ से हट जाओ. तो ये सारा काम हमारे बॉडी के अंदर होता है जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन होता है. तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि डॉग के माउथ से सलाइवेशन हुई क्योंकि उसने पहले क्या सुनी? उसने बेल सुनी. बेल का तो कोई रिस्पॉन्स है नहीं स्टार्टिंग वाले ने. उसने फूड देखा. फूड देखने के बाद क्या हुआ कि उसके नेजल कैविटी से जो फूड की स्मेल थी वो उसके ब्रेन तक गई. वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ने इंटरप्रेट किया और उसने सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया सलाइवेशन के लिए. तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरली होगा. अब उसने इसी प्रोसेस को, इसी सेम चीज को 7 days तक रिपीट किया. तो उसने 7th day क्या ऑब्जर्व किया? उसने 7th day रैंग द बेल. उसने बेल को रैंग किया बट डिड नॉट प्लेस द फूड. उसने फूड को नहीं रखा. स्टिल ही ऑब्जर्व द सलाइवेशन. उसके बावजूद भी स्टिल ही ऑब्जर्व सलाइवेशन. उसके बावजूद भी उसने सलाइवेशन ऑब्जर्व की. तो इन सब बातों से क्या बात पता चली कि यहाँ पे जो सलाइवेशन अब हुई जस्ट आफ्टर द रिंगिंग ऑफ द बेल दैट इज ए कंडीशनल रिस्पॉन्स. तो यहाँ पे रिंग ऑफ द बेल इज कंडीशनल स्टिमुलाई और सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू द बेल इज ए कंडीशनल रिस्पॉन्स. ये बात किसने बताई थी? इवान पावलोव ने बताई थी. और यहाँ से बात पता चली थी कि हमारी बॉडी में कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो बार बार हमारी बॉडी को यूज टू करा के कराए जाएंगे. दीज एक्शंस आर नोन एज कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज दे टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन अवर सोमेटिक सेल्स. लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए फूड यहाँ पे क्या था? फूड बेटा था एक अनकंडीशनल स्टिमुलाई. क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलाई. और फूड के रिस्पॉन्स में सलाइवेशन होना. सलाइवेशन किसके रिस्पॉन्स में होना? इन रिस्पॉन्स टू फूड. वो कैसा था? वो था एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. क्या था भाई? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. ठीक है, तो ये बात थी हमारे कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था वो. अब हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी हमारे अंदर सेंस ऑर्गन होंगे. आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. दी सेंस ऑर्गन हैविंग द रिसेप्टर और रिसेप्टर किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करेगा. फिर वो स्टिमुलाई को हमारे CNS के किसी भी पार्ट को सेंड कर देगा.
सीएनएस उस सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करने के बाद वो सिग्नल किसको सेंड करेगा भाई, हमारे इफेक्टर ऑर्गन को सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा? इफेक्टर ऑर्गन को। और फिर इफेक्टर ऑर्गन कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिग्नल को लाने ले जाने का काम तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम की जो मेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होगी जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूरोन, उसका काम होता है। तो यहाँ पे रिसेप्टर से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो ले जाने वाले होंगे उन न्यूरोन को हम क्या नाम देंगे बेटा, दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरोन। कौन से न्यूरोन? सेंसरी न्यूरोन। इसके बाद ही मैं आपको न्यूरोन के बारे में भी बताऊंगी। फिर सीएनएस ने इंटरप्रेट किया और उसने जो सिग्नल सेंड किया इफेक्टर ऑर्गन को, तो उसमें कौन इन्वॉल्व हुए? उसमें इन्वॉल्व हुए मोटर न्यूरॉन और उन्होंने कोई पर्टिकुलर एक्शन करवाया। इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होगा। अब देखो न्यूरॉन्स हैं वो पाथ ट्रेवल करेंगे। न्यूरॉन्स ने यहाँ से सिग्नल को पिकअप किया, यहाँ तक सिग्नल लेके गए, फिर यहाँ से सिग्नल को लिया, फिर वो इफेक्टर ऑर्गन तक लेके गए, पर्टिकुलर काम हुआ। तो ये पूरा पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय द न्यूरॉन्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन दैट पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। उस पाथ को बेटा हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्स आर्क। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? द पाथ ट्रेवल्ड बाय द न्यूरॉन्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द न्यूरॉन्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन is known as reflex arc। उसको हम क्या नाम देंगे? reflex arc। और ये हमारे क्या है? reflex arc का स्ट्रक्चर। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, मैंने आपको जितनी भी आपको एग्जाम्पल बताया उनमें सब में यही होगा कि अगर हमारा जैसे कि सपोज करो आइज का ब्लिंक होना, कोई भी मॉस्किटो वगैरह, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म, कोई भी छोटा स्मॉल माइक्रोब्स हमारे आइज में चल जाए तो तुरंत वहाँ से वाटरी आइज हो जाती है, हमारे लेक्राइमल ग्लैंड टीयर्स रिलीज करना शुरू कर देंगे, वो भी किसी रिस्पॉन्स में हुआ, ठीक है। हमारे हॉट आयरन के टच होने की वजह से जो हाथ का वहाँ से हटना, वो भी इसी रिस्पॉन्स में हुआ क्योंकि उसे सिग्नल मिला था हमारे ब्रेन से। और मेन सेंटर जो रिफ्लेक्स एक्शन का होगा वो कौन होगा बेटा? वो होगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नर्वस सिस्टम की नेक्स्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में।